हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2007 में रिलीज हुई सुपरस्टार रजनीकांत सर की शिवाजी द बॉस मूवी के बारे में। यह मूवी सिर्फ तमिल फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि उस टाइम पूरा इंडियन बॉक्स ऑफिस पे नया रिकॉर्ड क्रिएट किए थे। उस टाइम फिल्म बनाने में लगभग 60 करोड़ रुपीज खर्च किए गए थे, जिसके लिए 2007 में इस फिल्म को इंडिया के टॉप एक्सपेंसिव फिल्म माना जाता है। शिवाजी द बॉस में एक सीन था, रजनीकांत सर देश के गरीब जनता के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रोड बना रहे थे। तो इस सीन को एक्चुअली CGI एंड VFX के थ्रू दिखाया गया था, लेकिन ये रजनीकांत सर के वॉकिंग स्टाइल को रियल में शूट किया गया था। यहाँ शूटिंग टाइम रजनीकांत सर के पीछे एक बड़ा ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन रखा गया था, जो एडिटिंग टाइम रिमूव करके उसी पैलेस पर बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल एंड रोड को दिखाया गया है। तो ये सीक्वेंस को रामोजी फिल्म सिटी के अंदर शूट करी गई थी। इस मूवी के डायरेक्टर एस शंकर सर हैं। यहाँ शंकर सर रजनीकांत सर को ये वॉकिंग शॉट के लिए कई बार रीटेक लिए थे, जो आप यहाँ बिहाइंड द सीन में देख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे शंकर सर एक्टिंग करके दिखा रहे हैं और उसी यूनिक स्टाइल के साथ रजनीकांत सर एक्टिंग किए थे। एंड च्युइंगम खाने का स्टाइल भी शंकर सर के थ्रू बताया गया था। फिल्म का यह वाला शूटिंग हुई थी जब शिवाजी के मरने के बाद उसके फ्रेंड बच्चन फॉरेन से आते हैं। यहाँ रजनी सर को एक नया गेटअप में दिखाया गया था। आपको बता दूं कि फिल्म के इस सीन के लिए रजनी सर सच में गंजे हुए थे। आपको बता दूं कि शिवाजी द बॉस मूवी का क्लाइमेक्स सीन को बेंगलोर के MS रम्या कॉलेज में शूट करी गई थी। ये जो बिल्डिंग दिखाई गई थी जहां ब्लैक मनी फ्लाइंग का सीन था, वो सीन उसी कॉलेज का इलेक्ट्रिकल साइंस डिपार्टमेंट बिल्डिंग पर शूट किया गया था। तो इस सीक्वेंस के लिए रियल स्टूडेंट को भी हायर करी गई थी, जो इसी कॉलेज के थे। एंड ये सीन में उनका रोल था एज अ स्टूडेंट, एंड जो फ्लाइंग ब्लैक मनी था उन्हें कलेक्ट करना। और सिर्फ ये काम करने के लिए हर एक स्टूडेंट को पर डे 150 रुपीज़, यानी 150 रुपये दिया गया था। दोस्तों, अगर आपने यह मूवी देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही मेकिंग वीडियो के साथ।